हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। कल हरियाणा ग्रुप सी के सीईटी मेंस एग्जाम को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसको लेकर हाई कोर्ट में क्या हुआ और अब सीईटी भर्ती पर केस का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इसको लेकर आज नई अपडेट यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर तक करना होगा इंतजार। ग्रुप सी पदों के लिए बनाए 61 ग्रुपों के उम्मीदवार पेपर होने का कर रहे हैं इंतजार। आयोग ने रातों रात अपील दायर कर ग्रुप 56-57 के पेपर लेने के लिए गुहार लगाई थी। मौजूदा भर्तियों को सिरे चढ़ाने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वेरीफाई कर रिवाइज्ड सीटी स्कोर जारी किया जाए। अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मौजूदा ग्रुप सी की 32,000 भर्तियां पूरी करनी है तो उसे सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की वेरिफिकेशन कर सीटी का रिवाइज्ड स्कोर जारी करना चाहिए। आयोग को यह जिद छोड़नी चाहिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन संभव नहीं है, सरकारी सिस्टम में हर चीज संभव है। अगर आयोग चाहे तो जिलों में उन 2,11,000 उम्मीदवारों का नाम भेजकर उनकी वेरिफिकेशन करा सकता है। ऐसा होते ही भर्ती प्रक्रिया तेज हो जाएगी। आगामी चुनाव तक अगर भर्तियां यूं ही फंसी रहीं तो सरकार को लाभ नहीं मिल पाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों की भर्ती के लिए जिन सीटी पास उम्मीदवारों ने आवेदन कर रखा है उन्हें पेपर होने का इंतजार करना पड़ रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई आगामी 31 अक्टूबर को तय हुई है। सिंगल बेंच के फैसले के विरोध में तो आयोग ने रातों रात अपील दायर कर ग्रुप नंबर 56-57 का पेपर लेने के लिए आग्रह किया और अगली सुबह सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पेपर लेने की अनुमति दे भी दी, मगर ग्रुप नंबर 56 के पेपर में ग्रुप नंबर 57 के प्रश्न पत्र के 41 सवाल रिपीट हो गए, जिससे आयोग की किरकिरी हो गई। यह मामला भी हाई कोर्ट पहुंच गया। पिछली सुनवाई पर इस मामले को भी अपील वाले मामले के साथ जोड़ दिया गया। अपील पर सुनवाई के बाद जब ग्रुप 56-57 के पेपर लेने का अंतरिम आदेश पारित किया गया था तब सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर तय हुई थी, मगर उस तारीख पर प्रोसेसिंग फीस जमा न होने के कारण तारीख आगे 3 अक्टूबर 2023 तय हो गई। अब 3 अक्टूबर को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हुए और अगली तारीख 31 अक्टूबर 2023 तय हुई है। लाखों उम्मीदवार पेपर होने की अनुमति मिलने का इंतजार था। जिन उम्मीदवारों ने बचे 61 ग्रुपों के लिए पेपर देना था और वे तैयारी कर रहे थे, मगर अब पेपर होने की कोई संभावित तारीख पता नहीं है, इसलिए वे मायूस हैं। इन पदों के आवेदक भर्ती प्रक्रिया में रोड़ा अटकने से नाराज हैं। सोशल मीडिया पर आयोग के बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके थे कि एक साल के भीतर लगभग 60,000 सरकारी पदों पर भर्तियां हो जाएंगी, मगर जिस तरह से ग्रुप सी की भर्तियां फंस गई हैं उससे मुख्यमंत्री की इस घोषणा के पूरी होने पर शक होने लगा है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।